आज के लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बड़ी बीमारी ये है कि लोग उनके बारे में कैसा सोचते हैं, दूसरे क्या करते हैं, क्यों करते हैं, कैसे और क्या करते हैं। आपको नहीं लगता कि आप इन सब फालतू चीज़ों में अपनी लाइफ के कीमती समय बर्बाद करके खुद की लाइफ को पीछे कर रहे होते हैं। अगर आप या कोई आपके बारे में ऐसा सोचता है तो आज से आप ये सब बिल्कुल छोड़कर सिर्फ अपनी लाइफ को फोकस करेंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं अतुल और स्वागत करता हूं अपने चैनल अतुल मोटिवेशन जोन में। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप अपने लाइफ, अपने काम या अपने ड्रीम में आगे बढ़ना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, तो एक बात हमेशा गांठ बांध कर रख लीजिए कि आपको किसी की सोच से नहीं नाचना, किसी के दिमाग से नहीं चलना, बल्कि आपकी लाइफ है, आपका ड्रीम है, आपके लाइफ का डिसीजन है, तो इसके मालिक सिर्फ और सिर्फ आप हो। कुछ लोग होते हैं जो दूसरों की कही बातों और दूसरों की सोच से प्रभावित होकर अपना फैसला और अपनी मंजिल बदल देते हैं और हमेशा दुनिया की डर से अपने अंदर का ड्रीम, अपने सपने को दबाकर वो सब करने लग जाते हैं जो दूसरे लोग चाहते हैं। अरे दूसरों को क्या पता आपके अंदर कितनी पावर है, आप क्या कर सकते हो। वो तो सिर्फ अपने जैसे ही समझकर आपको भी उसी तराजू में तौल देते हैं। जैसा वो नहीं कर पाए तो आपको भी वैसा समझ लेते हैं। लेकिन आप तो अपनी शक्ति, अपना पावर बहुत ही अच्छे से जानते हो, तो फिर किसी की सोच, किसी दूसरे के फैसले और दूसरों की बातों के नौकर क्यों बनते हो। खुद की अहमियत देना सीखो, वरना हमेशा दूसरों की उंगलियों में ही नाचना पड़ेगा। और कुछ लोग दूसरों द्वारा कही गई बात या कही गई ताना जैसी, तर्क जैसी बातों को इतना ज़्यादा सोचते हैं कि उस सामने वाले इंसान को अपनी लाइफ का मालिक बनाकर ही रख देते हैं। अरे हटाओ ये सब, कहने दो जिसको जो कहना है, बोलने दो जिसको जो बोलना है। आपको बहरा बनना पड़ेगा, तभी आप अपना डिसीजन, अपना ड्रीम पूरा कर पाओगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। क्योंकि आज का कड़वा सच ये है कि सच में अंदर से आपका कोई भला नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता कि आप उनसे आगे बढ़ जाओ, उनसे आगे निकल जाओ। और सबसे ज़्यादा इस मामले में गुप्त रूप से हमारा बुरा चाहने वाले सिर्फ हमारे अपने ही लोग होते हैं, वो कोई भी हो सकते हैं। हाँ, ऐसे लोग कभी आपके सामने खुलकर ना तो आपकी बुराई करते, ना आपके बारे में उल्टा सीधा बात करते, बल्कि ये ऐसी बातें करेंगे जिससे आप इनसे खुश रहो। लेकिन सच पूछिए, ऐसे लोगों के ही अंदर सबसे ज़्यादा जहर भरा होता है, क्योंकि ये पहले आपकी सारी कमजोरी और सारी सीक्रेट जानने में रहते हैं आपसे जुड़कर। बाद में यही लोग कहीं ना कहीं गुप्त रूप से आपको नीचे गिराने की पूरी कोशिश भी करते रहते हैं। और ऐसे लोग आपके सामने दूसरा और दूसरे लोगों के सामने दूसरा बोलते हैं। इसलिए आपको अपनी लाइफ के बारे में किसी को अपना मालिक कभी भी मत बनने दीजिए कि मैं ऐसा करूंगा तो लोग क्या सोचेंगे, अगर मुझसे ऐसा हो गया तो दूसरे लोग क्या कहेंगे। अरे कहने दो, बोलने दो, जो काम करता है, सपने देखता है और उसको पूरा करने की ताकत रखता है, वही तो गलती करता है। जो ये सब करने की सोचने की हिम्मत भी नहीं करता या आपकी बराबरी भी नहीं कर सकता, वही आपके बारे में 3-5 बोलते हैं। और किसी के कुछ बोलने, किसी के कुछ सोचने से आपका कुछ बिगड़ तो नहीं जाएगा, ये हमेशा याद रखिए। बल्कि आप अपनी लाइफ के असली ड्राइवर हो। जैसा आप अपनी गाड़ी जिस साइड, जिस दिशा में मोड़ेंगे, वैसा ही आपकी गाड़ी अपनी मंजिल में जाएगी। अगर आप अपनी मंजिल पा जाते हैं तो यही लोग सबसे पहले आपके पास आकर बोलेंगे कि अरे मैं तो पहले ही बोलता था कि आप ऐसा कर लोगे। तो अगर आप दुनिया की बातों को अहमियत देते हैं, उनकी सोच से डरते हैं, लोगों की बोली से डर कर अपना फैसला, अपना ड्रीम, अपना काम, अपनी लाइफ के सपने छोड़ देते हैं, तो अब ऐसा मत कीजिएगा। बल्कि उनको दिखा दो कि आप शेर हो, आप सिकंदर हो, आप एक योद्धा हो और आपकी हिम्मत, आपका ड्रीम, आपकी तलवार है। आप ये युद्ध जीत लोगे, आपकी विजय पक्की है। बस अपने काम में लग जाइए और हमेशा निगेटिव सोच जो आपके बारे में गलत या आपका हमेशा मनोबल गिराते रहते हैं,
उनसे दूर रहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाकर हमारे चैनल अतुल मोटिवेशन जोन को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।